बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। तो आज इसका सेकेंड पार्ट हम सभी पढ़ेंगे। बाबा ज्यूरिस्ट विंग से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, सभी ने देखा आपके ब्राह्मण परिवार में एक ही ग्रुप में कितने वकील और जज हैं। देखा, बहुत वकील जज हैं। अभी आप लोगों ने बाप दादा की एक आशा पूरी की नहीं है। की है? वकील और जज हैं तो हिलाओ, जनता को थोड़ा हिला के दिखाओ ना। गीता के भगवान पर हिला के दिखाओ। कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है। चलो थोड़ा थोड़ा आवाज तो फैलाओ। इंडिविजुअल ट्राई तो करो हिला के देखने की। बेचारे इसी एक गलती के कारण परमात्मा के वर्षे से वंचित हैं। ऐसे वंचित आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बनो। ठीक है ना? कोई प्लान बनाओ, थोड़ा थोड़ा भी रिहर्सल करो, हिला के देखो क्या कहते हैं। जैसे देखो साइंस और साइलेंस दोनों का मेल आजकल दुनिया समझती है होना चाहिए, ऐसे मेडिटेशन और मेडिसिन इसका भी मेल समझते हैं। ऐसे ज्यूरिस्ट क्या सिद्ध करेंगे? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि हर वर्ग को कुछ ऐसा स्लोगन बनाना चाहिए, जैसे साइंस साइलेंस, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल में स्लोगन बनाओ। याद है पहले पहले जब प्रदर्शनी शुरू की थी तब प्रोब रखते थे, प्रोब के रूप में ऐसी पॉइंट रखते थे, अभी नहीं रखते हैं लेकिन शुरू शुरू में प्रोब रखते थे। अभी प्रदर्शनी में नहीं तो इंडिविजुअल ही सही। केस के लिए बाप दादा नहीं कह रहे हैं, पहले तैयारी तो हो, पहले थोड़ी छेड़छाड़ करो, लोगों को मिलाओ, वे आपकी तरफ से तैयार होवे। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं कि आज सेल्फ जज हो, तो जज योर सेल्फ। इस टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जजेस को कहो सेल्फ योर जज बन करके सृष्टि का परिवर्तन करो। वह केस करने वाला जज भी और जज योर सेल्फ भी दोनों हैं। ऐसे कुछ इन्वेंशन करो, स्लोगन बनाओ जो दो दो शब्द मिलते हों। जैसे बाप दादा ने कहा जज योर सेल्फ, तो इस तरह बाबा कह रहे हैं कि स्लोगन बनाओ, दो दो शब्द मिलते हों, ऐसे कुछ टॉपिक बनाओ। अभी बाबा ने परसों की भी मुरली में कहा था कि अब टॉपिक बनाओ, उस पे मनन चिंतन करो। ठीक है, थोड़ा ट्रायल करो इंडिपेंडेंट, पहले थोड़ा ग्रुप तैयार करो, पीछे सोचो। रिट्रीट करते हो, इकट्ठे होते हो, कुछ सोचते हो, इसकी मुबारक हो। कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हैं, करो, बहुत अच्छा है। माइक कौन से निकले हैं? वे बाप के सामने नहीं आए हैं। माइक माना जिसके आवाज में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वह जिसकी आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो। किसी भी रीति से बेधड़क होके माइक बन के आवाज करे, ऐसे माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे, माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए। अच्छा, फिर बाप दादा कल्चरल विंग से मुलाकात करते हैं। कल्चरल विंग ने क्या नया प्लान बनाया? ये सब हम लोगों के लिए भी है। कोई नया प्लान बनाया, अभियान निकालने का और कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाया है? ये तो ठीक है, नया क्या बनाया, ये तो अच्छा है, भले करो लेकिन कुछ नवीनता करो।
प्रदर्शनी बनाई है, इससे बाप दादा की प्रत्यक्षता करेंगी। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक विंग कोई नया प्लान बनाए। कितने समय से कॉन्फ्रेंस की है, कितना टाइम हुआ है कॉन्फ्रेंस करते, बहुत साल हो गए, और प्रदर्शनी अभियान यह तो करते रहते हो, अभी कोई नया प्लान बनाओ। कल्चरल कार्निवल करने का विचार है, बनाओ प्लान। अच्छा, सभी वर्ग के लिए बाप दादा कह रहे हैं कि कोई नया प्लान बनाओ। यह तो सभी को पता पड़ गया है कि ब्रह्म कुमारियां कॉन्फ्रेंस करती हैं, अभियान भी निकालती हैं, वह सबको पता पड़ गया है। अभी कोई नया प्लान ऐसा बनाओ जो सब समझें कि यह देखना जरूरी है, क्योंकि आजकल नवीनता को पसंद करते हैं। तो सोचो, टच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और देखेंगे कौन सा वर्ग नवीनता दिखाता है। नंबर वन एक तो बनेगा ना, तो करो। अमृत वेले योग के बाद, योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद दिमाग में ताकत होती है, उस समय सोचो तो टचिंग हो जाएगी। बाकी जो किया है उसकी मुबारक है, जो प्लान बनाया है वह भी करो, लेकिन कुछ नया करके दिखाना, सोचो। बहुत अच्छा, यूपी और राजस्थान में बड़ा मेला करने का उमंग दादी जी को आ रहा है, करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान और यूपी में बहुत समय हुआ है ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। अभी राजस्थान का माइक उमंग में है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बाप दादा ने कहा, उसका आवाज मदद कर सकता है, क्योंकि सीट पर है तो फायदा लेना चाहिए। सीट पर बैठने वाली आत्मा का आवाज थोड़ा बुलंद होता है, एडवर्टाइज हो जाती है, करना चाहिए। ये संकल्प ठीक है, मदद चाहिए तो एक दो की मदद ले लो, लेकिन करना चाहिए। फिर कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, भोपाल में बड़ा मेला होने वाला है, तो बाप दादा कहते हैं वैसे हर जगह के बड़े प्रोग्राम जो हुए हैं, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता रही है, कहां संख्या की कहां प्रोपेगेंडा ऑलराउंड हुई है। जैसे दिल्ली में विदेश तक आवाज गया, कलकत्ता में 2 लाख हो गए, अलग अलग विशेषता हुई ना। ऐसे ही गुजरात ने पहला नंबर लिया, इन्वेंशन की ना। बॉम्बे में भी अच्छा आवाज फैला, मद्रास में तो ऐसा 3 दादियों का चित्र बनाया जो सब तरफ चला। पहले गुजरात ने बनाया था, मद्रास ने थोड़ा अच्छा बनाया, शोभा थी, सभी जगह अच्छा बना। बाप दादा तो बच्चों की यूनिटी, एकता और एकाग्रता पर दुआएं देता है, चाहे संख्या कितनी भी आई, लेकिन नाम तो हुआ ना। ब्रह्मा कुमारियां मैदान में तो आई ना, इसलिए सभी स्थान की अपनी अपनी विशेषता रही, और सभी ने मिल करके संगठित रूप में किया। इसकी पहला नंबर मुबारक है। अच्छा, भोपाल भी फंक्शन करने में होशियार है, करेंगे वह भी कमाल करेंगे, क्योंकि भोपाल में आईपीस का कनेक्शन अच्छा है, वीआईपीस का काफी वीआईपीस इनके कनेक्शन में हैं। अभी उन्होंने कार्य में कितना लगाते हैं वह प्रोग्राम बनाया होगा, बाकी वह भी होशियार हैं, कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे, बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो, एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए
रिकॉर्ड चाहिए, सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर वन हो, यह रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों को का खेल कर रहे हैं। हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे? देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। सिंधी ग्रुप सोच के उठा रहे हो? सिंधी ग्रुप उठो। तो बाप दादा को गिफ्ट देंगे? अगर देंगे तो बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने उठाया है। देखना रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट मिलेगी ना, आपे ही रिपोर्ट लिखना। हर मास में दो अक्षर लिखना, प्रॉमिस ओके। जो प्रॉमिस किया है वह ओके है। कार्ड में ही लिखना, ज्यादा लिफाफा नहीं भेजना, खर्चा नहीं करना, कार्ड में ही भेजना, ठीक है ना। कांध तो हिलाओ। अच्छा है, बाप दादा की सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बिचारे बिचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अभी थोड़े आए हैं लेकिन औरों को उमंग में लाके ऐसे उम्मीदों के सितारे बनो। उम्मीद को पूरा करने वाले सफलता के सितारे बनो। कोई को भी तैयार करो। ठीक है, देखेंगे, बोलो करेंगे। अच्छा है, कुमारियां भी करेंगी, हिम्मत अच्छी है, मुबारक हो। जुलाई में सिंधी सम्मेलन करेंगे, माइक तैयार करके दिखाओ कोई सिंधी। अच्छा है, सिंधी पार्टी आती है ना तो रौनक हो जाती है। अच्छा, अभी सभी को याद है क्या देना है? गिफ्ट और रिकॉर्ड। वैसे तो अगर दर्पण बन गए तो रिकॉर्ड आ ही जाएगा। अभी बाप दादा मेहनत का पुरुषार्थ देखने नहीं चाहते हैं। अब छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं। अभी उड़ो, ऊपर ही रहेंगे तो बाकी सब बातें नीचे रह जाएंगी। अच्छा, मधुवन वाले सब ठीक हैं? चार पांच सब बुझाए हैं। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से थोड़े थोड़े आए हैं। अच्छा,
सभी को शांतिवन, ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे हॉस्पिटल, सभी को बाप दादा दिल से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जो भी आते हैं उनकी सेवा अच्छी करते हैं। सेवा करने में नंबर अच्छा है, और फिर पीछे सुनाएंगे, लेकिन सेवा में नंबर अच्छा है। अथक बन के सेवा करने में एक नेचुरल आदत हो गई है। फिर भी देखो कितनी संख्या है, अभी की संख्या कितनी है, 15-16 हजार आए हैं, सभी मिलकर के करीब 18 हजार हॉल में बैठे हैं। इतने सबको संभाल रहे हैं ना, आए हुए जो भी डबल विदेशी या देश वाले, सब ठीक हो? खाना ठीक मिला है? ठीक रहे हो? ठंडी तो नहीं लगी? कंबल मिले हैं? माताएं माताएं सुख से रही हैं? माताएं ठीक रही पड़ी हैं? तो बाप दादा सभी का हाल चाल ले रहे हैं। अच्छा, तो याद रखना, नए वर्ष की नवीनता दिखाना। बाहर भी जो बैठे हैं वे भी सुन सुन करके खुश हो रहे हैं। इंटरनेट पर सुनते ज्यादा हैं, देखने वाले तो थोड़े होंगे, लेकिन सुनने वाले बहुत हैं। तो बाप दादा खुश होते हैं कि दूर बैठे भी ऐसे ही लगन से बैठते हैं जैसे सम्मुख बैठे हैं, और समय का अंतर होते भी हिम्मत और उत्साह से बैठते हैं। बाकी सभी तरफ से कार्ड तो बहुत आए हैं, यहाँ रखे हुए हैं ना, बाप दादा ने देखे तो कार्ड वालों को बाप दादा रिस्पॉन्ड में याद प्यार दुआओं के साथ कार्ड के बदले रिकॉर्ड दिखाओ यह कह रहे हैं। कार्ड भेजने की मुबारक है, लेकिन रिकॉर्ड दिखाएंगे तो बहुत 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 मुबारकें मिलेंगी। खिलौने भी बेचते हैं, पत्र भी बेचते हैं। डबल फॉरेनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता है जो बाप दादा को बहुत प्यारी लगती है। जनक बच्ची भी फॉरेन की रिजल्ट सुन रही है, खुश हो रही है। एक विशेषता यह है कि सच बोलते हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। हिलते भी हैं, झूलते भी हैं, लेकिन बोलते सच हैं। खुश बोलते सच है, और जो सच बोलता है ना, उसकी आधी गलती माफ हो जाती है। इसलिए बाप दादा को ये विशेषता अच्छी लगती है, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ ऐसी चीज है वो अंदर खाता जरूर है। जैसे कांटा पांव में चुभ जाता है ना, तो क्या होता रहता है, अंदर ही अंदर काटता रहता है ना। ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है, मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है। तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना, इस विशेषता की आप लोगों को बहुत मदद है। अच्छा, अभी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, सभी एकाग्र होकर बैठे, विजुलाइज करें बाप दादा मेरे सामने। बाप दादा का हाथ, वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा के शिक्षाओं को, सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष 2004 की बधाइयां सभी बच्चों को दी। इस समय संगम है
पुराने वर्ष और नए वर्ष का संगम है। इस नए वर्ष और पुराने वर्ष के संगम समय पर बाप दादा सभी विश्व के अति प्रिय, अति लाडले, अति सिकीलदे बच्चों को बहुत 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 दिल की दुआओं सहित याद प्यार दे रहे हैं, मुबारक की बहुत बहुत थालियां भर के दे रहे हैं। सारा वर्ष खुश रहना, अपने खुशनसीब भाग्य को सदा स्मृति में रख, मास्टर भाग्य विधाता बनना, सभी संगम अभी संगम युग की याद प्यार। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रही हैं। जैसे अभी खुश हो रही हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देखने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देखने, सुख देने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सभी साइलेंस में 2 मिनट बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है, मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है। तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने इसका एग्जांपल के साथ कंपेयर किया है। वो कांटा पाव में चुभ जाता है तो क्या होता रहता है, बाबा ने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है ना। वो अंदर चले जाए तो कितना फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं, उसके साथ कितना पेनफुल होता है ना, अंदर ही अंदर सारा खराब कर देते। जब तक वो हम नहीं निकलते हैं तब तक अंदर में वो फर्स्ट फॉर्म होकर के बहुत पेनफुल हो जाता है ना। ऐसे बाबा ने हमको कहा है, ये भी झूठ भी जैसे कांटे जैसे अंदर ही अंदर हमें दुख देता है। इसलिए बाबा ने कहा स्पष्ट आत्मा बनना है। स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है, मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है। सो कोई भी हमारा अंदर जो है
झूठ बोलने का कोई छोटा मोटा संसार भी है, संस्कार भी है, तो उसको निकाल देना है ना। बहुत अच्छा। सो हमारा प्रोजेक्ट भी इसके अनुसार चल रहा है ना, अब दिव्य गुणों का। बहुत अच्छा है जी। बोलिए। इसके ओम शांति। इसके बाद बाबा ने बोला है, जो सच बोलता है उसकी आदिन गलती माफ हो जाती है। सच्चे दिल पर साहेब राज जी। जी बहुत बड़ी हमको कमाई एक्चुअली है ना ये, नहीं तो पाप कितना बढ़ जाएगा है ना। ऐसे नहीं हम समय सब झूठ बोलते रहे, मारते रहे, ऐसे भी नहीं करना है ना। बाबा ने बताया 3 टाइम तो बाबा माफी कर देंगे हमें, उसके बाद में माफी नहीं होगा है ना। फिर भी ड्रामा का पॉइंट्स क्या बोलते हैं, जो कुछ हम करते हैं उससे वापस हमको आना ही है ना। फिर भी बाप दादा हमको उससे छुट्टी दे रहे हैं ना। सच बोलो हाफ माफी हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। बोलो दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कार के बजाय रिकार्ड दो, निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त, बड़े का छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखना का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपका दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात देने का दृढ़ संकल्प करते हो। हाथ उठाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ, जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात दे। बाप दादा कहते हैं तो सौगात देंगे आप। मुझे भी ऐसा अनुभव आया था कि एक प्रोग्राम था कल, तो ऐसे लगा मैंने कि ये प्रोग्राम में मैं एक गीत गाया, शांति सागर की लहरें, हाँ एक गीत गाया, तो उस लोगों ने इतना मग्न होके वो गीत सुना, उन्होंने एक गीत और मैंने भी एक गीत सुनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या थी और क्या बन गई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि अगर आप ऊपर रहेंगे तो बाकी सारी बातें नीचे रहेंगी, जो भी हद की बातें आती है ऊपर रहेंगे, माना बाबा के साथ, अगर बाबा के साथ कंबाइंड बाबा की याद में झूलते रहेंगे तो बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो नीचे रहेंगी। बाबा ने इस मुरली में तो नहीं एग्जांपल दिया, लेकिन साकार मुरली में दिया करते हैं कि अगर बड़े बड़े पहाड़ आते हैं तो आप उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करो, आप हवाई जहाज की तरह ऊपर उड़ो। जैसे दिखते हैं ना कि हवाई जहाज सेकंड में कितना पार कर देता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बोला, बाबा की एक आश पूरी नहीं की, वो है गीता का भगवान पर बोलो, उनको हिलाओ। बाबा बोलते हैं इसमें ज्यादा बहसबाजी नहीं करना, लेकिन युक्ति युक्त समझाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज देह रूपी मिट्टी में पांव न रखने के लिए कहा है। बाबा कहते हैं कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते रहो झूलते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने नए वर्ष के लिए जो बधाइयां दी है, इस समय के संगम है और पुराने वर्ष और नए वर्ष का संगम है, तो बाबा ने कहा कि सारे वर्ष खुश रहना, अपने खुश नसीब भाग्य को सदा समृद्धि में रख, मास्टर भाग्य विदाता बनना, अभी संगम युग की यादगार है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है, तो गुण दान शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो,
जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो करना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि बाबा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। तो बाबा रिकॉर्ड में क्या कहते हैं, सभी बच्चों को रिकॉर्ड नंबर वन हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो, अभी यह कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। और बाबा कहते हैं कि बड़े बूढ़े, जो बूढ़े बूढ़े वो भी कुड़ियों का खेल करते हैं, है बूढ़े लेकिन खेल कुड़ियों का करते हैं, तो हंसी का खेल है ना। तो बाबा कहते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी है, तो रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त करो, बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। ओम शांति। जी, बाबा ने दो बातें कही है, रिकॉर्ड और गिफ्ट, है ना। ये रिकॉर्ड हमें देना है, गिफ्ट और रिकॉर्ड दोनों, है ना। कौन सा गिफ्ट देना है बाबा ने कहा है? विचित्र दर्पण। विचित्र गिफ्ट जी, विचित्र दर्पण है ना। कौन दिखाई देना है? बाप दादा ही दिखाई दे, है ना, ऐसे बाबा ने कहा है। सो उसको गिफ्ट करना है और रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड? निर्विघ्न रहने का, है ना। सो हम ये मंथन कर सकते हैं, हम हमेशा कैसे निर्विघ्न रहे। तो बाबा ने एक युक्ति बताई, बड़े बात को छोटी बनाओ, है ना, छोटी छोटी बातों को समाप्त करो। सो ये बातें हमें सीखे और हम कैसे निर्विघ्न रहे, क्या कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे हमने अपने मन रूपी दर्पण को ये चेक करते रहना है कि कहीं मन में कोई दाग तो नहीं है। अगर मन की स्थिति हमारी ऊपर नीचे है तो हमारी, मतलब जो हम बाह्य सुंदरता की ओर जाते हैं, तो हमें इसको अंतर्मुखता की सुंदरता की ओर जाना है, क्योंकि मन की सुंदरता हमेशा के लिए संसार में अमर कर जाएगी। वो मन ही है, जो मन के दागे उसको हमने रोज मिटाना है और मन को परमात्मा में लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वो भी कहा कि नीचे नहीं रहो, जितना हो सके उतना ऊपर बाप के साथ रहो। तो कोई भी मुश्किलें आए तो हम अगर उड़ती कला में उड़ जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ कंबाइन होकर ऊपर रहते हैं मन और बुद्धि से, तो भी समस्याओं को पार कर सकते हैं। और दूसरा, आज की अव्यक्त वाणी में भी था, आपकी कल का होगा, हमारा आज का है, तो उसमें भी बाबा ने कहा था कि मैं और बाप, तीसरा न कोई। तो तीसरा अगर आ जाता है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, इससे अच्छा तो आप अपने में और बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में होकर रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पहले की भी मुरली में भी कहा है कि बाबा, ब्रह्मा बाबा सहयोग देते थे, स्नेह देते थे और सहन करते थे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और बाबा ने आगे भी कहा कि निर्माण चित्त रहो, निर्माण रहो और हमेशा शुभ भावना दो और स्नेह दो। कभी हम लोग इतना करते हैं फिर भी सामने वाले कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमसे असंतुष्ट ही रहते हैं और कुछ ना कुछ बाधाएं खड़ी करते हैं। तो बाबा ने ऐसे कहा कि उड़ती कला में उड़ जाओ। और बाबा ने कहा कि 95% जो है वो तो
आपसे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन 5% जो है असंतुष्ट रहेंगे और बाधा खड़ी करेंगे। तो इस 5% को आप नजरअंदाज कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक जस्ट क्लैरिटी चाहती हूँ। बाबा जो कहते हैं निर्विघ्न रहना, तो क्या इसका मतलब यही ना कि हम कोई भी परिस्थिति में एक रस रहे, हमारी स्थिति एक रस रहे? हाँ, कोई भी वही तो हमारा मन व्यर्थ में नहीं चले जाए, बाबा का साथ रहे, बाबा का याद नहीं माना उधर भी बहन जी, आपका जरा माइक आवाज डिले हो रहा है, हो सकता है इससे हम बाबा का सुनो, बाबा आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ अभी बराबर आया, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, वही तो विघ्न माना हम वही समझते हैं, बाबा का याद हम नहीं करते हैं, व्यर्थ संकल्प में हम चले जाते हैं, चाहे फास्ट में चाहे फ्यूचर में हम चले जाते हैं, बाबा का याद नहीं रहते, इसके लिए विघ्न कहते है ना। और जो भी बाप दादा हमें श्रीमत देते हैं, हम वो उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसको हम नहीं कर पाते, वो भी विघ्न है। बाबा का जो कहते हैं जाना है उस अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो ये हमारा विघ्न है ना। इस विघ्न कैसे आते हैं, हमारा पुराने स्वभाव संस्कार है ना, व्यर्थ संकल्प, ऐसे बाबा ने कहे ना, बड़ी बातें करते हैं, बातों को बड़े कर देते हैं, आपस में क्या अनुभव क्या बोलते हैं हम लोग, आपस में अच्छा व्यवहार नहीं होते है ना, ये सब क्या है, विघ्न है। सो बाबा का याद जहाँ नहीं है वहां हम विघ्न समझते हैं ना। बाबा का हमारे साथ क्या एम ऑब्जेक्ट है, हम सदा बाबा का साथ रहे, उसमें उसका याद में रहे है ना, इसे बाबा कहते निर्विघ्न रहे। आओ कोई शेयर करना चाहते इसके बारे में? हाँ जी, एक बात बताऊंगी। हाँ जी का पार्ट बताना। हाँ जी का पार्ट बजाया तो विघ्न नहीं आएंगे, ऐसे जैसे मम्मा थी। ओम शांति। ओम शांति। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, वो भी है, जो हम सबको रिगार्ड देंगे तो अपने आप सारे विघ्न खत्म हो जाते। खुद को भी रिगार्ड दो, दूसरों को भी दो, और छोटी छोटी बातों को हमेशा समाप्त करना सीखो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बताया है ना, स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है, मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है, तो हम निर्विघ्न रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही है? दीदी हाँ जी आ रही है। दीदी निर्विघ्न बनने के लिए बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में बोला कि लगन मगन अब है रूरिहान और सेवा। जब हमारे अंदर ये 4 चीजें हो जाएगी, हम निरंतर करेंगे, एक चीज करी पहले लगन में आए, फिर हमारी मगन स्थिति, फिर हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे, ऐसे ही हम जब अभ्यास करते रहेंगे घंटे में और अपने आप की चेकिंग करेंगे, तभी हमें कुछ आनंद आएगा, कुछ प्राप्ति होगी, तभी हम निर्विघ्न रह सकते हैं। जैसे कि एक शेर को जो काबू में करता है, जो सर्कस में शेर को काबू करता है, तो उसको पहले शेर को ट्रेनिंग देता है, वो समझ जाता है, तो अपने आप ही वो जो है उस शेर को उसके लिए खेल लगता है, कुछ भी नहीं लगता, शेर जो है ना उसको चूहे के समान लगता है। इसी तरह जब हम अपने मन को जान लेंगे तभी हम निर्विघ्न रह सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बाबा ने इसे उल्ले में पहले बात में बताया है ना, मेपन वो बहुत धोखा देते हैं, सो रॉयल रुक के मेपन ना, ये भी बाप समान बनने नहीं देते है, सो ये भी विघ्न है ना। मैंने बाबा ने कहा रॉयल रूप का मेपन कौन से है, मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, सर ये सब क्या है, विघ्न है हमारा पुरुषार्थ में। हमको बाबा ने लक्ष्य दिया है बाप समान बनना है, सो उस पुरुषार्थ में हम जाते टाइम सो कोई भी रुकावट आते वो सब विघ्न है ना। वही बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कार व्यक्त संकल्प ये सब हो सकता है। अच्छा, और निर्विघ्न बनने के लिए ओम शांति और निर्माण भाव भी चाहिए, तो विघ्न। ओम शांति। कौन सी भी परिस्थिति आएगी तो हिलेगे डुलेगे लेकिन डूबेगे नहीं,
मन को ऐसे रखना चाहिए कि मन मना हो तो निर्विघ्न बन सकते हैं जी। हम चक्कर ना करते रहे ना, बाबा ने कहा ना चक्कर बनना है ना, हम क्या करते हैं जमा का खाते बाबा जमा कल बाबा ने बताया फर्स्ट पार्ट में है, जमा के खाते का चार्ट को चेक करो, हम जमा करते हैं नहीं तो व्यर्थ करते हैं, है ना। मेकर बनना है, अनुभव कराने हैं दूसरों को, है ना। हम बाबा ने कहा अखंड महाधनी बनने, इसमें बिजी रहेंगे तो हम निर्विघ्न रहेंगे, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, सदा सेवा में तत्पर रहे। शेरुबाई भाई जी ने चार्ट में शेयर किया नथिंग न्यू की स्मृति से, ड्रामा की स्मृति से हम निर्विघ्न बन सकते हैं, और फॉलो ब्रह्मा बाबा, मैपन ही माया का पहला गेट है। सो ये सब बातें कही है। सो और एक बात हम कहना चाहते हैं, ड्रामा में जो कुछ हो रहे है सो वो उसमें सभी निर्दोषी है ना। जो कुछ होता है उसमें दोष किसी का भी नहीं है, सभी निर्दोषी, क्योंकि मैंने जो किया वही मुझे वापस आ रही है ना। सो निर्दोष भाव रखना ये इम्पोर्टेंट बात होती है। ओम शांति दीदी जी। हमें समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना, इस समान में स्थित हो गए तो हम निर्विघ्न बन सकते। ओम शांति जी। कई सारे समान बाबा ने बताया है, मैं सदा निर्विघ्न हूँ, सदा हम बाबा का साथ वो वरदान लेना है। अच्छा अभी टाइम हो रही है जी। शुद्ध भेजा हाँ, मालिक सो बालिकपन की स्मृति से भी बहुत फर्क पड़ता है। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। सो अभी टाइम हो रही है, रीमा सिस्टर हमें योग कराएंगे। सो हम जी दीदी, हम होमवर्क भी यही लेंगे, बाबा ने कहे ना सच बोलना, हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम झूठ बोलते हैं, छोटा छोटा बात हम देखना है, उसमें हम सच उसको हम परिवर्तन करना है, जो हम झूठे बोलते हैं ना उसको हम परिवर्तन करने, सच सच बोलना है, बाबा का साथ भी और सभी का साथ भी। और बाबा ने कहा वो खुशी के झूले में झूलते रहो सारा दिन, है ना, सुख के झूले, प्यार के झूले, शांति के झूले में झूलते रहे, हम ये हम अपने रहेंगे, खुश रहना है और सभी को खुश रखना है और लोगों को भी खुशी बांटना है। पहले हम खुश रहना है तभी तो हमारे वाइब्रेशन से खुशी बांटेंगे, है ना। सो हम सदा खुश रहने के लिए आज हम लक्ष्य रखेंगे, खुशी में रहेंगे, ठीक है। सो निर्विघ्न रहने के लिए बाबा ने कहा है ना, छोटी बातें समाप्त करना है, बड़े को छोटा बनाना, बड़े बात को छोटा बनाना सीखो, छोटी को खत्म करना सीखो। सो ये शिक्षा हम लेंगे आज सारे दिन में, इसका ही हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल रूप में। अच्छा थैंक यू रीमा सिस्टर, आपको योग करा सकते हैं हम जी दीदी। थैंक यू। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। अमृत वेला के पावन क्षणों में चारों ओर का वातावरण शांत तथा शीतल रहता है। ऐसे अलौकिक समय में हम आत्माएं जिस प्रकार के विचारों या संकल्पों के बीज बोएंगे वैसे ही कर्म रूपी वृक्ष बनेंगे और उसी आधार पर भाग्य रूपी फल निर्मित होंगे। हम आत्माएं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर यह संकल्प करती हैं कि विश्व की सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा शिव का सच्चा परिचय मिल जाए, सभी आत्माओं को ज्ञान सागर शिव परमात्मा का
परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, कोई भी आत्मा परमात्म मिलन के सर्वोत्तम सुख से वंचित ना रहे। हर आत्मा को उनका जन्म सिद्ध अधिकार परमात्म पिता का ज्ञान गुण शक्तियों का अमूल्य वर्षा अवश्य प्राप्त हो। कोई भी आत्मा प्रभु प्रेम के अलौकिक सुख से वंचित ना रह जाए। तो ऐसे विजुलाइज करें, हम सब बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे जितने भी संसार की सर्व आत्माओं को परमात्मा शिव से हम यही सबको शुभकामनाएं शुभ वरदान दे रहे हैं। हम जागे हैं तो हम सभी को अवश्य जगाएंगे। हमारा यही शुभ संकल्प है कि सभी आत्माएं मायावी निद्रा से जाग जाएं, ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को समझकर हर कर्म श्रीमद् प्रमाण करें, स्मृति स्वरूप बन समर्थ आत्मा बन जाएं। हम सभी आत्माएं ये शुभ संकल्प करती हैं कि हमारे सभी भाई बहनों को भी परमात्मा वरदान दिव्य गुण तथा दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएं। तो परमात्मा शिव से शक्तियां हमारे में समा रही हैं और हम ऐसे विजुलाइज करें, सर्व शक्तियां सर्व गुण सर्व ज्ञान हमारे मस्तक से नीचे सर्व आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। विश्व में शांति स्थापन हो जाए, विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो जाए। सुख सागर परमात्मा शिव आए हैं सुख की दुनिया का स्थापन करने, तो सभी को ये सुख मिल जाए और सभी आत्माएं एक सुख से परमात्मा ज्ञान से परमात्मा दुआओं से भरपूर हो जाएं, सभी आत्माएं निर्विघ्न हो जाएं। हम फरिश्ते सभी को ज्ञान की किरणें गुणों की किरणें सर्वशक्तियों की किरणें के वाइब्रेशन चारों तरफ विश्व में फैलाएं। हमारा यही विशेष कार्य है, तभी हम सुख की दुनिया का स्थापन हो पाएगा। ये भाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और ये भाग्य हम संसार की सर्व आत्माओं को अवश्य दें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा, जिसने मुरली पढ़ी और योग भी कराया, थैंक यू सो मच। और आप सभी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे और हैव अ शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी आत्माओं को ओम शांति। थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति। गुड डे एवरीवन।